आज मैं मेक्सिकन पोटैटो बनाने जा रही हूँ, तो इसके लिए बेकिंग पोटैटो मैंने 3 लिए हैं। इंडिया में या कहीं भी आपको ना मिले तो आप बॉइल्ड पोटैटो यूज़ कर सकते हो, ओवन या माइक्रोवेव ना हो तो। और ये मेक्सिकन पोटैटो की खास बात ये है कि उसको हमें बेक करना है ओवन में 2 घंटे। तो 2 घंटे बेक करके वो ही पोटैटो का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और मक्खन, स्वीट कॉर्न, किडनी बीन्स, राजमा, अनियन, चीज़, कैरेट्स, चिलीज 2 या 3, चिली फ्लेक्स एंड और ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर और मक्खन वही मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो चलो हम बनाते हैं। तो इसके लिए पहले मैं ये ओवन में प्री हीट ओवन में मैं ये पोटैटो बेक करूँगी 2 घंटे। पोटैटो के लिए ये प्री हीट ओवन में मैंने 2 घंटे मक्खन लगा के पोटैटो को बेक करने के लिए रखा है। और मैं उसके साथ ये स्वीट पोटैटो भी रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमें 2 घंटे करने हैं। पोटैटो के जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो मैंने इसमें मिक्सी में डाल दिए हैं। तो मैंने वो टीन वाले लिए थे, तो आप बॉईल कर सकते हो जो आपके पास टीन ना हो। तो मैंने स्वीट कॉर्न, राजमा, कैरट्स, अनियन, स्वीट चिलीज, एवरीथिंग आई पुट इट इन एंड ये मैं मिक्सर में मिक्स करूँगी। और ये हमारा मिक्सर रेडी है। पोटैटो ओवन में रखा था वो भी बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया है। देखो ये हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं और फिर उसको जब हम खाना हो तब खाएंगे। तब तक हम इसमें फॉइल में लपेट कर रख देंगे तो ये गर्म रहेगा। पोटैटो रेडी हो गए हैं, उसकी स्किन निकाल कर हमें उसको अच्छी तरह से मैश करना है। ये पोटैटो मैंने स्किन निकाल दिए हैं, पूरी स्किन नहीं निकालनी है क्योंकि स्किन बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में। और फिर हम उसको ऐसे ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद जो हमने पोटैटो का मावा बनाया था वो लेना है, फिर मिक्सचर में जो हमने मसाला रेडी किया था वो लेना है। चीज़ बहुत अच्छी लगती है बच्चों को तो चीज़ लेनी है। सब कुछ इस पॉट में मिक्स करना है। 1 चम्मच हिमालय सॉल्ट, ब्लैक पेपर, बड़ा स्पून और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, और ये सब डालना है। और फिर मेन इसमें थोड़ा ज़्यादा मक्खन डालना है, तो ये बड़ा सा स्पून मक्खन डालकर ये ट्रे हमने रेडी करनी है ग्रीस करके। और फिर अब ये सब मिक्सचर हम इसमें डालेंगे। ऐसा मिक्सचर रेडी होता है, फिर वो हम इसमें डालेंगे बेकिंग ट्रे में। रफ ही रखना है, जैसे स्मूथ नहीं करना है मिक्सचर। और ये बेकिंग ट्रे में रखकर आजू बाजू थोड़ा ज़्यादा मक्खन लगाना है और फिर वापस उसमें चीज़ स्प्रेड करनी है और 20 मिनट्स के लिए ओवन में रखना है। ओवन में ग्रिल भी हम साथ में चालू करेंगे। और आपके घर में ग्रिल ओवन ना हो तो माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। थोड़ा गरम गरम बच्चों को देना है। तो ये वापस हम ओवन में रखेंगे 20 मिनट्स। ये चीज़ हम स्प्रेड करके उसके हम ओवन में रखेंगे 20 मिनट्स के लिए। मैक्सिकन पोटैटो इज़ रेडी नाउ, सो यू कैन हैव इट नाउ। I'm really glad कि it's came out very nice and trust me, it's the very very yum dish. So you must try and like, share and subscribe my channel. You can get more and more dishes like this. So enjoy Mexican today. Thank you for watching. See you. Bye.